नमस्ते, आई एम अभिषेक। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू लास्ट माइल एजुकेशन। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा वर्ड का सीरीज चल रहा है। हर अल्फाबेट से हम लोग 50, 60, 70 शब्द डिस्कस कर रहे हैं, उस पर सेंटेंसेस बना रहे हैं, उसको डे टू डे लाइफ में कैसे इस्तेमाल करेंगे इस पे बात कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर से ज्यादा इंपॉर्टेंस वर्ड्स का है, क्योंकि वर्ड्स हमारे पास रहेगा तब ना हम सेंटेंसेस बनाएंगे, फॉर्म करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। जे के से बहुत कम शब्द है, मतलब डे टू डे लाइफ में जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें से हम 50 चुने हैं, 50 को यहाँ लिखे हैं, 50 वर्ड्स को। इस पे हम लोग बातें करेंगे, इस पे नए नए सेंटेंसेस बनाएंगे और डे टू डे लाइफ में कैसे इस्तेमाल करेंगे इस पे हम आकर बात करते हैं। चलो, द फर्स्ट इज काइंड। काइंड मतलब दयालु होता है, ठीक है। बी काइंड टू योरसेल्फ, आप अपने आप के लिए दयालु बनो। लाइक मेक सम टाइम फॉर योरसेल्फ, बी काइंड टू योरसेल्फ। आप अपने आप के लिए कुछ समय निकालो, अपने आप के लिए कुछ दयालु बनो। पूरा समय ऐसे ही आप बिता देते हो। फॉर दैट वी यूज द नेक्स्ट इज किल। किल मतलब मारना होता है, किल मतलब चाकू से किसी का मर्डर करना, दैट इज किलिंग एंड दैट इज किल। ठीक है, किलिंग भी यहीं से आया हुआ है। किल कीप मतलब रखना होता है, लाइक हाउ मच मनी यू हैव केप्ट इन योर बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में कितना मनी है, तो वहां पे हम लोग कीप केप्ट ऐसे इस्तेमाल करते हैं। नॉक मतलब ऐसे दरवाजा खटखटा कर अंदर जाना, नॉकिंग दैट इज द नॉकिंग, दरवाजा खटखटाना। नॉक द डोर बिफोर इंटर द रूम, रूम में जाने के पहले डोर को नॉक करते हैं, दैट इज नॉक। नॉलेज पहले नो को डिस्कस करते हैं, नो मतलब जानना होता है। न्यू मतलब पहले से हम जानते हैं, के एन ई डब्ल्यू न्यू, ठीक है। तो नो मतलब क्या होता है, जानना, और किस चीज को जानना, किसी इंफॉर्मेशन को जानना, किसी बुक को जानना, ग्रंथ को डालना जानना, उसी से नो से बना है नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान होता है, ज्ञान, के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई, इसको नॉलेज बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। कीन है, कीन मतलब उत्सुक रहना, हमेशा एकदम अंदर से क्यूरियस पर्सन, बहुत ही ज्यादा उत्सुक रहता है कुछ जानने समझने के लिए, that is keen, keen people. There are some people who are very keen to know something new every time. Kick मतलब मारना होता है, जैसे पैर से हम लोग फुटबॉल को मारते हैं ना, that is kick. Okay, kidnap, kidnap मतलब अपहरण करना, पहले ये बहुत relevant था 2004-5 के पहले, खूब अपहरण होते थे वहां उस समय पर। किस मतलब आप किसी को चूमते हो, आप जैसे कि लाइक यू किस सम चिल्ड्रेन ऑफ योर होम, आप अपने कुछ घर के बच्चों को किस करते हो, दैट इज किस। द नेक्स्ट इज की, कीन मतलब आपका घुटना, कीन मतलब घुटना। नाइट, नाइट मतलब होता है गांठ लगाना, जैसे शादी में होता है, शादी होता है हमारे हिंदू रिलीजन में, तो किसी का एक परंपरा होता है कि जब गांठ बांधा जाता है तो दैट इज गांठ बांधना। नीट, नीट मतलब गांठ बांधना। की मतलब चाबी, औजार, और आप जिस तरह से यूज कर रहे हो उस समय पर इसको आ इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत सारे जगहों पे यूज किया जाता है की, ठीक है। नैक, नैक मतलब होता है कौशल, के एन ए सी के, नैक, नैक मतलब कौशल, जैसे यू आर अ वेरी नैकफुल पर्सन, आप बहुत कौशल वाले आदमी हो, ठीक है। कुडोस, कुडोस मतलब अभिवादन होता है, जैसे कि आप प्रणाम नमस्ते बोलते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द स्टार्टिंग ऑफ एनी कन्वर्सेशन यू कैन से कुडोस टू ऑल पीपल, सारे पीपल, सारे लोगों को मेरा, मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम, ठीक है। किंडल मतलब आग जलाना होता है, लाइक प्लीज किंडल द कैंडल, किंडल द कैंडल, कैंडल में आग थोड़ा जला दो, कैंडल को लाइट कर दो। Like, kindle the knowledge in your mind, थोड़ा सा नॉलेज का आग लगा लो अपने दिमाग में, ठीक है। In that sense we can also use. There is also an application that is Kindle of Amazon, on which you can read so many books on phone. Kitchen, kitchen आपको पता ही है, रसोई, for that we use kitchen. Kerchief, kerchief मतलब दुपट्टा होता है, इसको हम लोग जैसे फीमेल जो लेकर चलती है, दैट इज कर्सिव। किडनी जो हमारा गुद्दा होता है, हिंदी किडनी उसको बोलते हैं, दैट इज किडनी। नाइट, नाइट मतलब सुरवीर होता है, घुड़सवार होता है, जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स, तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं सुरवीर एकदम कोलकाता के, जैसे वो आईपीएल टीम है ना, 11 प्लेयर ऑफ द कोलकाता वैसे नाइट राइडर्स। द नेक्स्ट इज कैटल, जिसमें हम लोग पानी गर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटल। The next is keyboard, keyboard on which you type on your phone or laptop or computer, that is called keyboard, keyboard. Keyword, keyword are something like words, passwords you have to remember, or keywords
लाइक कुछ बहुत बड़ा टॉपिक है उसके कीवर्ड दो ही है, दो याद कर लोगे तो पूरा टॉपिक आप कहीं पे किसी को समझा सकते हो, ठीक है। तो दैट इज द कीवर्ड किड, किड और ये किड्स मतलब घर में जो बच्चे होते हैं, दैट फॉर देम वी यूज किड और किड्स। किलर वही जो मारता है, जो मर्डर करता है, मर्डरर को बोलते हैं किलर। जैसे आप थ्रिलर मूवीज देखते हो तो उसमें पता नहीं चल पाता है अंत तक किलर कौन है, तो दैट इज किलर। किंग मतलब राजा, एज यू नो ऑलवेज दैट, और राजा से बनकर राज्य बनाया तो दैट इज किंगडम, साम्राज्य, साम्राज्य फॉर लाइक दिस इज द किंगडम ऑफ राजा महाराणा प्रताप, दिस इज द किंगडम ऑफ किंग राणा प्रताप या महाराणा प्रताप, यू कैन से दैट। नैक, नैक मतलब होता है आदत, के एल ए सी के, नैक मतलब क्या होता है आदत। अगला है हमारे पास नाइट मतलब बुनना होता है, नाइट मतलब बुनना, जो हमारी मम्मी वगैरह स्वेटर बुनती है ना, दैट इज नाइट, नाइट इन द स्वेटर। नाइट मतलब चाकू होता है, नाइट मतलब चाकू होता है, जैसे चाकू पेट में मार कर अंतड़ी वगैरह या सब्जी हम लोग काटते हैं, दैट इज नाइट। द नेक्स्ट इज काइट, काइट मतलब पतंग होता है, ऑन द फेस्टिवल ऑफ छठ पूजा भी लाइक फ्लाइंग काइट इन द स्काई, दैट इज कॉल्ड काइट। कीप बैक मतलब इसको पीछे रखो, अभी कीप बैक, कीप इट इन बैक, कीप डाउन नीचे करो इसको, कीप डाउन अभी नीचे रखो इसको, कीप डाउन, कीप मूविंग मूव करते रहो, बटालियन को या फोर्सेस को या फिर किसी और को बोला जाता है कीप मूविंग, अभी मूव करते रहो, आप रुको नहीं अभी। कैनल, कैनल मतलब होता है कुत्ता का घर, के ई डबल एन ई एल, कैनल मतलब होता है कुत्ता का घर। किट बैग, किट बैग मतलब किसी बैग में बहुत सारा सामान है जो कि इस्तेमाल होने वाला है, किट बैग हर तरह के होते हैं, टूल बैग, किट बैग का, जैसे कि आप मान लो कोई मैकेनिक्स हो तो आपके बैग में बहुत सारे मैकेनिक्स से रिलेटेड सामान रहेंगे, आप मान लो ब्यूटी पार्लर चला रहे हो या चलाती हो तो ब्यूटी से रिलेटेड आपके बैग में सामान रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड किट बैग। ओके, द नेक्स्ट इज किटन, किटन मतलब होता है बिल्ली का बच्चा, के आई डब्ल्यू टी ई एन, किटन मतलब क्या होता है बिल्ली का बच्चा। ओके, द नेक्स्ट इज की नोट, की नोट मतलब बहुत बड़ा कोई टॉपिक है उसका दो दो पेज का या दो दो लाइन का, तीन तीन लाइन का नोट आप बनाते हो, दैट इज कॉल्ड की नोट, यही मेन नोट है पूरे पेज का, दैट इज कॉल्ड की, की नोट। किक इन मतलब अंदर में मारो इसको, किक इन अंदर में मारो। ओके, द नेक्स्ट इज किक आउट मतलब अंदर से इसको बाहर फेंको, दैट इज किक आउट। किल जॉय मतलब किसी के आनंद को, किसी की मस्ती को आप खत्म कर दिए, मार दिए, दैट इज कॉल्ड किल जॉय, यू आर किलिंग द जॉय ऑफ That person. Kick up मतलब उपद्रव, जैसे कभी कभी आप देखते हो ना कोई भी उपद्रव मचा देता है, that is called kick up, उपद्रव मचाना। Kinetic मतलब और ज्यादा तेज या उत्तेजित या फिर ज्यादा एनर्जी लगाना, that is kinetic. The next is kinship, kinship मतलब रिश्तेदार, kinship मतलब रिश्तेदार, how many kinship of yours appreciate you, कितने सारे रिश्तेदार हैं आपके जो आपको अप्रिसिएट करते हैं इन योर स्टडीज, इन योर डे टू डे लाइफ, दैट इज किनशिप। किट आउट, किट आउट मतलब सजाना होता है, किट आउट मतलब सजाना होता है। द नेक्स्ट इज नैक ऑफ, नैक ऑफ मतलब आदत होता है, नैक ऑफ मतलब आदत, के ए ए सी के, नैक ऑफ, नैक मतलब आदत होता है ना, नैक ऑफ मतलब। किक स्टार्ट, किक स्टार्ट मतलब मारना, आप प्रारंभ करो, मारना स्टार्ट करो। अगला है क्लोनॉक्स, क्लोनॉक्स मतलब होता है भूंप, जैसे कोई हॉर्न वगैरह बजाता है ना उसको भी हम लोग क्लोनॉक्स भी बोलते हैं, क्लोनॉक्स, के एल ओ ए एक्स ओ एन, क्लॉक्सन, क्लॉक्सन, सॉरी क्लॉक्सन, क्लॉक्सन, के एल ओ ए के एल ओ एक्स ओ एन, क्लॉक्सन। काइंडनेस मतलब वही दयालुता, दयालुता कोई आपके दया दिखा रहा है। और एक कुक होता है जिसका मतलब पागल होता है, के डबल ओ के, कुक मतलब पागल, एक कुक होता है जो खाना बनाते हैं हमारे लिए और एक कुक होता है जो कि पागल होता है। तो इतने सारे हमारे पास वर्ड्स हैं, इसमें से बहुत सारा आपको पता होगा, किंग, काइंडनेस, काइंड वगैरह वगैरह। तो यू कैन रिवाइज एंड यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट, यू कैन यूज इन आवर योर डे टू डे लाइफ, रिवाइज वन और टू टाइम्स ईच एंड एवरी वर्ड्स, यू विल रिमेंबर इफ यू रिवाइज वन और ट्वाइस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो विद अ न्यू वीडियो। जय हिंद, जय भारत।